फिर से एसर के नए नए लैपटॉप का की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। इसके मॉडल्स का नाम है SF315 55G। चलिए फ्रेंड्स, इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके ऊपर मेरा बिल पेमेंट आया हुआ है। मैंने 55,000 में इस लैपटॉप को बाय किया हुआ है। ये उसका बार कोड है कि एसर की कंपनी ने इसको बनाया है, तो ये एसर का बार कोड है। चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये लेवल ओपन होते हुए, ठीक है, ये पहला लेवल था। ये मैंने इसको हटाया, हाँ तो फ्रेंड्स, ये रहा। यहाँ पे फिर से बिल दिया हुआ है, मेरे नाम का बिल है यहाँ पे कि 45,000 में मैंने इसको बाय किया हुआ है। साथ साथ में एसर का इधर लोगो दिया हुआ है कि एसर ने इसे बनाया है। अब इसके अंदर एक और लेवल है। फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छे सामान डिलीवर करते हैं, मतलब कि आपको बहुत अच्छी पैकिंग मिलती है इसकी। यहाँ पे देखिए, साथ साथ में लिखा है अगर इसकी सील ओपन है तो इसे आप मत लीजिए, इसे रिटर्न कर दीजिए। लेकिन ये देखिए, पूरी अच्छी तरह अच्छी तरीके से पैक है, तो इसको वापस करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये मैंने इसको ओपन किया, देखिए इसके अंदर एक और लेयर है, बहुत अच्छी पैकिंग है। ये देखिए, इसके अंदर एक और लेयर, और जो इसका सबसे खूबसूरत बात क्या है, यहाँ पे एसर का लोगो दिया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे फिर से वही इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर यहाँ पे सील ब्रोकन है तो इसे आप लौटा दीजिए। फ्रेंड्स, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप कोई लैपटॉप बाय कर रहे हैं, ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, अगर उसकी सील ओपन है तो आपको उसे लौटा देना चाहिए, क्योंकि वो डिफॉल्टेड हो सकता है, फॉल्टेड हो सकता है। इसे ओपन करते हुए देखिए कितनी अच्छी पैकिंग आई है यहाँ पे, एकदम मनमोहक पैकिंग। ये देखिए आप, सबसे पहले इधर से अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इसका चार्जर दिया हुआ है, साथ साथ में इसका डाटा केबल, ये इस तरह का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर। इसको हमने सबसे पहले इसको निकाल दिया और इसको यहाँ पे हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। इस डब्बे को हमने साइड किया, ओके, और अच्छे व्यू के लिए मैं इसे इस बड़े डब्बे को साइड में रख देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी पैकिंग दी हुई है, क्योंकि इसे बहुत लंबी डिस्टेंस से आया हुआ है, लैपटॉप को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको इतने अच्छे तरीके से पैक करके दिया गया है। इसको भी हम साइड में कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, ये मेरे हाथ में वो आ चुका है, लैपटॉप आ चुका है। देखिए दिखने में कितना स्टाइलिश लग रहा है, ऊपर से ही देख के मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इसे हम ओपन करने वाले हैं। हाँ, उसके पहले मैं आपको उसका वारंटी कार्ड दिखा देता हूँ। इंडिया ने इसको बनाया हुआ है, एसर की ये वारंटी कार्ड है। इसके बार कोड को आप स्कैन करेंगे तो मतलब आपका प्रोडक्ट वारंटी के अंदर में आ जाएगा। इस पर इंटरनेशनल वारंटी 1 ईयर की दी हुई है। ये देखिए, यहाँ पे एसर का लोगो दिया हुआ, मतलब एसर ने इसको बनाया हुआ। इसका गाइडलाइंस है, इसको मतलब हमको लैपटॉप सेटअप कैसे करना है। आप लैपटॉप ओपन करने से पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना पड़ता है, और भी इसमें जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपको चार्जिंग कैसे करनी है, कितने वॉट पे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपको चार्जिंग करना है। अब ज़्यादा समय नहीं, इसे हम ओपन करने वाले हैं। ये देखिए भाई साहब, कितना स्लिम, कितना स्टाइलिश, एकदम सिल्वर कलर, बहुत ही ज़बरदस्त लैपटॉप देखिए। और ये देखिए, ये एसर का ये जो लोगो है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपका फीचर बताने के पहले सबसे पहले बता रहा हूं, ये ओनली 1.35 kg का है। कितना अच्छा लग रहा है हाथ में, देखिए आप, जैसे कोई बुक की तरह। आप इसको बहुत ही आसानी से, पोर्टेबल है, बहुत आसानी से आप इसको कैरी कर सकते हैं। अब इसको ओपन करते हैं। हाँ, तो उसके पहले हम इसके फीचर्स की बात करें। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम इसे ओपन करने वाले हैं। ये देखिए भाई साहब, क्या डिस्प्ले है, देखिए आप इसे। और देखिए लिखा हुआ है फुल HD, एकदम HD डिस्प्ले, मतलब। और प्लस इसकी सबसे अच्छी, सबसे खास बात, ये फुल HD IPS डिस्प्ले है। IPS मीन्स इन प्लेन स्विचिंग। आप एक प्लेन में होकर कहीं भी इसको देखिए, आपको वही व्यू मिलने वाला। आप साइड से देखिए, ऊपर से देखिए, नीचे से देखिए, आपको उतनी क्लियरिटी के साथ दिखाई देगा। अब देखिए, अब हम इसको इसके फीचर्स देखते हैं। देखिए, ये लैपटॉप है, सबसे इसकी खास बात, ये 1.35 kg इसका वेट है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 8 GB रैम है, 512 GB SSD स्टोरेज है। इसके साथ साथ फास्टर एक्सेस के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर है, बैकलाइट कीबोर्ड है। इसके साथ साथ इसका जो प्रोसेसर है, उसको इंटेल ने बनाया हुआ है, i5 8th generation है। वो बहुत ही मतलब डिसेंट जनरेशन, मतलब ऑलमोस्ट सारे फीचर्स इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। आजकल तो i9 प्रोसेसर भी आ चुके हैं, लेकिन i5 है वो हमेशा से एक डिसेंट रहा है, मतलब आप उसमें सारी फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके प्रोसेसर की बात करते हैं। इसका प्रोसेसर है वो NVIDIA का है, MX 250। मीन्स आप इसमें सारे गेम्स बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं।
जैसे कि आजकल पबजी चल रहा है, पबजी है बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा चलता है इसमें पबजी, मतलब पर्सनली आप इसको खेल के देखिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब इसकी बात करते हैं, इसका कैमरा है ये 720p का इसका कैमरा है, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत कैमरा, आप इसके फोटोज़ देखेंगे तो मतलब बहुत अच्छा फोटो आने वाला है। जैसे कि बहुत सारे लैपटॉप ऐसे होते हैं जिसमें फोटोज़ अच्छे नहीं आते, लेकिन ये लैपटॉप ऐसा है आपको इसमें फोटोज़ भी बहुत अच्छे लेवल के मिलेंगे, मतलब आप बहुत ही सेटिस्फाइड होने वाले हैं इसके साथ साथ। अब देखिए, अब हम इसके पोर्ट्स की बात करते हैं, तो ये देखिए इधर इसका ये एक पोर्ट दिया हुआ है, इधर इसके ये दो पोर्ट्स और दिए हुए हैं, और ये टाइप सी टाइप का भी इसमें चार्जर का इसमें व्यवस्था दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर है, आप इसमें हेडफोन्स लगा सकते हैं, ईयरफोन्स लगा सकते हैं, और ये इसका ये स्क्रॉल बोर्ड, यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ये मतलब बहुत ही स्मूथ है, मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए कितना स्लिम है, कितना स्टाइलिश लग रहा है। अब इसके फैंस की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आप इस बात को नोट कीजिए, देखिए कितना हल्का है, कितनी आसानी से मैं इसे कैरी कर पा रहा हूँ, कितना मज़ा आ रहा है, आप इसको यूज़ करिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब इसके फैंस की बात करते हैं, ये देखिए इसको बंद किया, ये इसकी बैटरी है, इसे कूलिंग फैंस है, देखिए दो दो बड़े बड़े कूलिंग फैंस लगे हुए हैं, मतलब लैपटॉप आपका गर्म नहीं होगा, बहुत ही शांति से बहुत ही स्मूथली चलेगा। और लैपटॉप गर्म नहीं होता तो मतलब उसके हार्डवेयर सिस्टम बहुत ही सही रहेगा, लैपटॉप जब भी गर्म होता है तो उसके हार्डवेयर सिस्टम पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे दो फैंस दिए हैं कि आपका लैपटॉप है वो गर्म नहीं होगा। ये इसके स्पीकर्स हैं, इसके स्पीकर की मैं खास बताऊं, ये 100 मीटर की रेंज में आपको उतनी ही अच्छी तरीके से सुनाई देंगे, 100 मीटर की रेंज में आप चले जाएंगे इसके स्पीकर का आवाज़ आपको जो कहते हो वैसे ही मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे फिर से एसर का ब्रांड दिया हुआ है, और सबसे अच्छी बात देखिए जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ना, ये देखिए ओपन करते हुए सामने वाले व्यक्ति को एसर का ब्रांड दिखेगा, एसर दिखने पे स्वैग हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बार बार फिर से बता रहा हूँ, एसर लैपटॉप की सबसे पुरानी कंपनी है, सबसे पहले एसर है, उसके बाद एचपी डेल एप्पल ये सब का आना स्टार्ट हुआ, सबसे पुरानी कंपनी एसर है। और अगर मैं आपको आपसे बात करूँ तो अगर आपको अच्छे फीचर्स लेने हैं कम प्राइस में तो एसर से अच्छा फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप मैक की बात करें तो मैक है, मैं उसको सही कहता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा है कि आम लोग की मतलब नॉर्मल पीपल की रीच से वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। अगर हमको अच्छे फीचर्स लेने कम रेट में तो एसर से बढ़िया कुछ नहीं मिल सकता। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसके बस 1.35 kg का वेट है, अगर देखिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके हाथ में कोई बुक है, कितनी आसानी से आप इसे कैरी कर सकते हैं। आज के टाइम पे बैटरी बैकअप है वो लैपटॉप की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, तो मैं आपको बताऊं इसका बैटरी बैकअप 12 आवर्स का है। आप कोई भी लैपटॉप लो, अगर इनिशियली अगर उसका बैटरी बैकअप 12 आवर्स है तो आज से दो साल बाद वो 10 आवर्स का रह जाएगा, तो मतलब यहाँ पे पहले से ही 12 आवर्स का बैटरी बैकअप, मतलब आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते हो। बाकी आप नॉर्मल लैपटॉप देखोगे तो उसका बैटरी बैकअप ओनली 6 आवर्स 5 आवर्स मैक्स रहता है, तो मतलब दो साल बाद सोचिए उसकी हालत कितनी खराब हो जाएगी। तो ये लैपटॉप है मतलब बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत लंबे टाइम तक आराम से चलेगा। प्लस साथ साथ इसका जो क्लॉक स्पीड है वो 1.6 गीगाहर्ट्ज़ का है, और जो कि बूस्ट अप हो सकता है 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक, मतलब इसमें अगर आपको वाईफाई कनेक्ट कराना है, ब्लूटूथ कराना है, तो बहुत ही अच्छे से बहुत स्मूथली बहुत तेज़ी से इसमें कनेक्ट करेगा, मतलब और आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें 512 GB SSD है। अब SSD का फ़ायदा क्या है? SSD का फ़ायदा है कि अगर आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है किसी पेन ड्राइव से, आपको अपने लैपटॉप में डाटा लेना है या लैपटॉप से डाटा किसी और को देना है, तो बहुत ही फास्ट तरीके से होगा, इवन 150 MB/s डाटा ट्रांसफर हो जाता है, इतना मतलब SSD का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे आप कभी भी लैपटॉप बाय करने जाते हैं तो आप उसके लिए बहुत परेशान होते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, कोरा पे सर्च करते हैं, उसके फीचर्स देखते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये लैपटॉप हम बना रहे हैं, अगर आपको लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी जैसे कि आपको किसी लैपटॉप में फ़र्क जानना, जैसे एसर का लैपटॉप है, एचपी का है, डेल का है, मैक का है, इंटेल लेनोवो का है, अगर आपको किसी भी लैपटॉप में कोई कन्फ्यूजन है, उसके फीचर्स के बारे में कोई वो है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने सारे लैपटॉप्स को यूज़ किया हुआ है, तो हम उसके आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो सिर्फ कोडिंग के लिए चाहिए, तो आप कोई भी लैपटॉप ले सकते हो, लेकिन हाँ अगर आपको वीडियो एडिटिंग या फिर गेम खेलने का शौक है तो आपको अच्छे लैपटॉप लेने पड़ेंगे। फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैं इसको रोकता हूँ, अब मैं इसे यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, लेकिन फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगे की फर्दर अपडेट्स के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, इसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे, हमको लैपटॉप एक्सेस करना, सबसे पहली बार कैसे ओपन करना होता है, कैसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना होता है, कैसे यूज़ करना होता है, इसके बाद हमारा अगला वीडियो उस पर बेस्ड होगा। तो फ्रेंड्स तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, टिल देन टाटा बाय बाय, एंड कोई भी क्वेरीज होंगे तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछ सकते हैं, हमें आपके डाउट सॉल्व करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू।